देनी है उसके बारे में क्या? देखो गलत चीज है, गलत चीज हुई है पूर्ण रूप से, और किसी आदमी ने उसकी हत्या की, उसने अपना कबूल कर लिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब जांच होती रहेगी क्यों हुई और लोग कौन कौन थे इसमें, ये सारी जांच का सब्जेक्ट है, जांच हो जाए उसके लिए। इस तरह की घटनाओं से क्या आपको लगता है कि आंदोलन पे कोई और नहीं पड़ता, ना आंदोलन का कोई मतलब है। गांव में कोई किसी का कत्ल कर रहा, देश में संविधान है, कानून है, अपना कानून अपना काम करेगा। सबको पता है कत्ल करने का 302 लगेगा, सजा है उसमें उम्र कैद, तो सबको पता है। आंदोलन के बीच में हो रही भाई, कोई सुसाइड कर ले, कोई घटना हो जाए, सड़क पर कुछ चल रहे हैं, आदमी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इसमें कर क्या सकता है कोई? ये कोई सबकी प्लान थोड़ा होता है, किसी एक आदमी की प्लान होती है। अब यहाँ पे भी आंदोलन में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है ना, कोई भी चीज है तो। जो ये कह रहे हैं कि कोई भी है घटना गलत है पूर्ण रूप से, समझ गया मैं, लेकिन सिंगू बॉर्डर से ही बार-बार इस तरीके की घटना, एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया था नियंगू द्वारा, तलवार मार के, फिर ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं भाई, किसने देखा हो तो भाई गवाही दो। कल किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नियंग जो है वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, मतलब उन्हें बताया गया, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो संयुक्त मोर्चे ने बयान दिया, हम तो सब साथी हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक जानकारी वही दे सकते हैं वहां पे सिंगो बॉर्डर से, और कल वहां से प्रेस रिलीज हमारी जारी होगी। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।